समाचार प्राइम ओडिसा को आपन को स्वागत करछि मु स्मृति लग्ना। प्रथम हेडलाइंस, पुष्टिहीन मुक्त भारत अभियान को मिलिबो बल, भारतीय कृषि जगत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ उपहार, देश पाई उत्सर्ग कले 35 फसल नुआ किसम, राज्यर शिशु को निर्बलुआ व निर्बुद्धा हेबारु रोकिबारे सहायक हेबो कि नुआ फसल किसम। वर्षा आणिब कि बन्या विपत्ति, बंगोपसागर रे एवं पश्चिमबंग उपकूलवर्ती अंचल रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि, प्रभाव रे तीन दिन प्रबल बर्षिब, तीन जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी, देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल पाई येलो वार्निंग। रत्नभंडार रे सुरक्षित अछि तो महाप्रभु को दुर्लभ अलंकार, रत्नभंडार को नहीं खोलीगला राज्य सरकार को मिछ कहानी, आरटीआई तथ्य को नहीं आहुरी रहस्यमय है रत्नभंडार चाबी हजिबा प्रसंग, 1960 परे ट्रेजरी रे नहीं रत्नभंडार चाबी, चाबी हजिबा सत ना बड़ मिछ फड़ाइबा को बहाना करितला जिला प्रशासन। झारखंड रे ओडिया भाषा को अवहेला, राज्य शिक्षक नियुक्ति परीक्षा रे ओडिया भाषा रे हेलानी परीक्षा, झारखंड सरकार को ओडिया भाषा विरोधी अभियान को विरोध, सेपटे कोटिया रे पुणी आंध्रर दादागिरी, तेलुगु रे पोस्टर मारी उपस्थिति जाहिर कला आंध्र प्रशासन। उपनिर्वाचन पूर्वर पिपिली रे बाण बोमार द्वंद, बड़ंगा थाना रे विस्फोरण, उड़ीला थानार छात, फुसुड़ा कांथ आईआईसी ऑफिस, हाजत समेत बहु गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र नष्ट, घटना को नहीं जोर धरला राजनीति, बीजेपी अभियोग निर्वाचन को प्रभावित करने शासक दल प्रयास, बीजेडी कहला अबांतर अभियोग। हाजत रे पिटी पिटी मारिदेले खाकी अपराधी, कौन थिला गोविंदों अपराध, कहीं घटनार दुई मास परे राति अधरे उठाई नेला पुलिस, बरगढ़ हाजत मृत्यु को विभिन्न महलर निंदा, घटनार सीबीआई तदंत दाबी कले बरगढ़ सांसद सुरेश पुजारी, एपटे खाकी अभियुक्त को बरगढ़ पुलिस प्रोत्साहन। सौम्य मृत्यु मामलें कार्यानुष्ठान केबे, न्याय पाई बुढ़ा बापा लड़ी, क्राइमब्रांच एडीजी को भेटी गुहारी कले सौम्यों बापा, विद्याभारती व डीएफओ को बांधवाई जनइले दाबी। किछि दिन अंतर रे पुणि थरे सौम्यों आर्टिकल झड़, विद्युत व्यवस्था प्रसंग उठाई सरकार को तेरछा बाण, सरकार का आभिमुख्य व निरवता उपरे उठाइले प्रश्न, बीजेडी नेता आर्टिकल खोली देछि शक्ति विभाग पोल, सौम्यों आर्टिकल परे काठगड़ा राज्य सरकार। संपूर्ण खबर को आसिबा, पुष्टिहीनतार मुकाबला व जलवायु परिवर्तन कुप्रभावर चाष को रक्षा करने देश को मिलला बड़ अस्त्र, भारतीय कृषि जगत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ उपहार, देश पाई 35 फसल नुआ किसम को उत्सर्ग कर प्रधानमंत्री। यह व्यतीत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट रायपुर नूतन कैंपस को प्रधानमंत्री उद्घाटन कर मुक्त भारत अभियान को मिल बल, जलवायु परिवर्तन प्रभाव को कृषि को मिल सुरक्षा, वृद्धि हेब कृषकों आय, देशर कृषकों मोदी सरकार का बड़ उपहार, 35 फसल नुआ किसम को देश उत्सर्ग कले प्रधानमंत्री। विज्ञान प्रजुक्ति विद्या साहय कृषि और कृषकों उन्नति पाई केन्द्र सरकार का बड़ पदक्षेप, ए किसम गुड़िक अधिक पुष्टिकर, नुआ परिवेश सहित सहजरे खाप खुआई पारे एवं विशेषकर जलवायु परिवर्तन प्रभाव को रोकवार सक्षम, तेणु यह नुआ किसम क्षुद्र चाषी जीवन बदलाई देव और कृषकों आय वृद्धि साहय कर प्रधानमंत्री मोदी। बदलते हुए मौसम में नई परिस्थितियों के अनुकूल अधिक पोषण युक्त बीजों, इस पर हमारा फोकस बहुत अधिक है। हाल के वर्षों में अलग अलग फसलों की ऐसी 1300 से अधिक सीड वैरायटी, बीज की विविधताएं तैयार की गई हैं। इसी श्रृंखला में आज 35 और क्रॉप वैरायटीज देश के किसानों के चरणों में समर्पित की जा रही है। प्रधानमंत्री उत्सर्ग करिथिबा 35 नुआ फसल किसम मध्यरु
ओडिशारे 15-20 फसल चाष करा जाए। सेगुड़िक मध्यरे धान, मांडिया, मक्का, बीन, सोयाबीन परी फसल रही। ओडिशा भली राज्य में प्रतिवर्ष पुष्टिहीनता जगु हजार हजार शिशु प्राण हराउछन्ती और विभिन्न रोगर शिकार होउछन्ती। राज्य अपपुष्टि 34% शिशुंकर स्वास्थ्यवस्थार विकास होउनाही। सुषम खाद्य अभाव राज्य में उच्चता अनुसार बहुत पतला हो जाउथवा शिशुंक संख्या 20%। राज्य में 5 वर्षर कम बयसर 7 पिलांक मध्यरु जणकर खाद्य अभाव उपयुक्त शारीरिक विकास हो पारुनाही। सेहिपरि पुष्टिकर खाद्य न मिलिबारु 3 जण शिशुंक भितरु जणे बयस तुलना रे बहुत गेड़ा होइथांती एवं प्रति 3 जणक मध्यरु जणे शिशु तार बयस तुलना रे बहुत कम ओजन रो होइथाय। पुष्टिकर खाद्यर अभाव जोगु 1-19 वर्ष बयसर 50% रक्तहीनतार शिकार होउथुवा बळे 9.5% पिलांक निकटरे रोग प्रतिरोधक शक्ति कमिथाय। तेणु ओडिशा भली राज्यर शिशुंकु निर्बलुआ और निर्बुधिया हेबारु रोकिबारे एही नुआ फसल किसम खूब सहायक होइ पारिबो बोली आशा करा जाउछि। ये क्रॉप वैरायटीज, ये बीज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खेती की सुरक्षा करने और कुपोषण मुक्त भारत के अभियान में बहुत सहायक होने वाला ये हमारे वैज्ञानिकों की खोज का परिणाम है। प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ रायपुर रे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट रो उद्घाटन करिछन्ति। पाणिपागर परिवर्तन एवं अन्यान्य परिस्थिति रे सृष्टि होतबा आह्वान गुडीकर मुकाबला पाई एही अनुष्ठान रो वैज्ञानिक माने समर्थन जोगाइबे। सेमाने देशर कृषि और कृषकक आय वृद्धि रे सहायक हेबे बोली कहिछन्ति प्रधानमंत्री। आज रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट का लोकार्पण भी हुआ है। 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को ग्रीन कैंपस अवार्ड भी दिए गए हैं। मैं आप सभी को, देश के किसानों को, कृषि वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लुणो पानी रे मध्य किपरि चाष करा जाई पारिबो सेने नुआ फसल किसम विकसित करा जाउछि एवं खूब शीघ्र एहाकु उत्सर्ग करा जइबो बोली ए अवसर रे सूचना दैछन्ति प्रधानमंत्री मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। वर्षा आणिब कि बन्या विपत्ति। बंगोपसागर में सृष्ट लघुचाप प्रभाव में राज्य में कालीठू प्रबल वर्षा। लघुचाप प्रभाव में 3 दिन धरी वर्षा हेबो। एथिपाई 3 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। तबे गोटिए परे गोटिए बड़ वर्षा आसुथबारु विभिन्न नदी में जलस्तर मध्य वृद्धि पाउछि, जहाँ तलिया अंचल लोक माने भयभीत अवस्था दिन काटुछन्ति। गोटिए गला आउ गोटे आसुछि, कालीठू पुणी प्रबल वर्षिबो। बंगोपसागर एवं पश्चिमबंग उपकूलवर्ती अंचल रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि। बात्या गुलाब जाऊ जाऊ बंगोपसागर पुणी सृष्टि होईछि आउ एक लघुचाप क्षेत्र। आगामी 24 घंटे यहा आहुरी घनीभूत हेबो। पश्चिमबंग निकट रे थिबारु उत्तर पश्चिम भाग रे यहार अधिक प्रभाव रहिबो। यहार प्रभाव रे 3 दिन जाए प्रबल वर्षा हेबो। प्रबल वर्षा पई मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जाजपुर जिला को येलो वार्निंग जारी हुई छी। काल जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एरिया में था, उसका प्रभाव में एक लघुचाप व लो प्रेशर एरिया नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग कोस्टल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल में हुआ है और अगला 24 आवर्स में ये और भी मार्क होने का चांसेस है। इसका प्रभाव ज़्यादा प्रभाव वेस्ट बंगाल में रहेगा, बट हमारा उड़ीसा का नॉर्थ उड़ीसा का कोस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी इसका प्रभाव रहेगा। आसंता काली उत्तर ओडिशा रा अधिकांश स्थान रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा होई पारे। तबे 3 जिला सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज रे अति प्रबल वर्षार संभावना थिबारु ऑरेंज वार्निंग जारी होई छि। सेही भली देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल पई येलो वार्निंग जारी करा जाई छि। काल हमारा केन्दुझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एक दो जगह करके होने का चांसेस है। देवगढ़, अंगुल, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह में हेवी रेनफॉल हो सकता है कल। फिर 30th को सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह में हेवी रेनफॉल का चांसेस है और बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट में हल्का से मध्यम बारिश का चांसेस अगला 3 दिन में मेनी प्लेसेस में रहेगा। गत किछि दिन हेबो राज्य विभिन्न स्थान में वर्षा लागि रही छि। गोटिए परे गोटिए लघुचाप सृष्टि होथिबारु प्रभाव रे वर्षा जारी रही छि। तबे अक्टोबर 1 परे पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो बोली पाणिपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। प्राइम ओडिसा रे जारी रहिबो खबर, समय छोटो ब्रेक रो।
ब्रेक परे स्वागत आपण देखुचंती प्राइम ओडिसा। रत्नभंडार सुरक्षित अछि त महाप्रभु दुर्लभ अलंकार। रत्नभंडार चाबी को नहीं भिन्न भिन्न तथ्य मिलवा पर बढ़ला संदेह। सूचना अधिकार बल में मिलता तथ्य अनुसार 1960 पर ट्रेजेरी चाबी रखा नहीं कौन तथ्य ना तेरे यापर 1973 1978 1985 केमिति रत्नभंडार खोलला ताक सृष्टि प्रश्नवाची। एथ सहित 2018 जिलापाल क्यों चाबी देते आसला क्योंठ ताकू बढ़ी रहस्य। रत्नभंडार को नहीं खोलीगला राज्य सरकार को मिछ कहानी। आरटीआई तथ्य को नहीं आहरी रहस्यमय है रत्नभंडार चाबी हजिबा प्रसंग। भितर रत्नभंडार रे सुरक्षित अछि त महाप्रभु रत्न अलंकार। चाबी हजिबा सत ना बड़ मिछ घोड़ेबा को बहाना करितिला जिला प्रशासन। भल कर देखु आरटीआई रे मिलिथिबा एही तथ्य उपरे जिला ट्रेजरी रु मिलिथिबा तथ्य रु स्पष्ट होइछि 1960 मसिया रु चाबी रखा जाइथिबा नै कौन सी भी तथ्य और प्रमाण ना किंतु तत्कालीन जिलापाल परिचालना कमिटी बैठक में कही 1970 मसीहा परठारु भीतर रत्नभंडार चाबी जिला ट्रेजेरी उपलब्ध नहीं। प्रश्न उठू सत कहे किए ट्रेजेरी जिलापाल ना राज्य सरकार। जदि भीतर रत्नभंडार चाबी जिला ट्रेजेरी जमा हवा कि अणाजार कौन प्रमाण ना तेज 1973 1978 और 1985 केमिति खोल जाइला भीतर रत्नभंडार क्यों चाबी रे खोली रत्नभंडार ट्रेजेरी कार्यालय मिलता तथ्य अनुसार तत्कालीन जिलापाल अरविंद अग्रवाल 2018 अगस्त 6 तारीख में जिला ट्रेजेरी चाबी जमा करी चाबी जमा है तेज से रत्नभंडार खोल को कुंठा कहीं जदि 1960 मसीह ट्रेजेरी बाला कथ अनुसार चाबी नाला 1973 मसीह केमी रत्नभंडार खोला 1978 मसीह केमी रत्नभंडार खोला 1984 उभय सरकार प्रशासन एवं जिलापाल तथ्य कहते चाबी खोला चाबी ना मान भावतु चाबी ना मान से गुरुत्वपूर्ण कथा आम घर चाबी हजार तैयारी कर पार्चे श्रीमंदिर महाप्रभुंकर रत्नभंडार चाबी हजि ना कौन ताको खोलिक आवश्यकता देखा जिस अच्छी ना बारंबार तथ्य कहते बारंबार पेपर बाहर 2018 एप्रिल 4 तारीख में रत्नभंडार अनुधान जा 17 जनिया टीम जा फेरी आसी कमिटर प्राधिकृत सदस्य बाहर भंडारू ठिया भीतर रत्नभंडार स्थित जाली द्वारा देखि ग्रिल फांक भितर स्थित देखी होतबारु भितर रत्नभंडार खोलिबा आवश्यक पड़ा ना मुख्य प्रशासक एभली दायित्वहीन मंतव्य आउ एबे आरटीआई तथ्य को नहीं प्रश्न आसुची। रत्नभंडार सुरक्षित अछि त महाप्रभु दुर्लभ रत्न अलंकार 2018 मसीहा अगस्त मास 6 तारीख डिपोजिट होती चाबी जदि से डुप्लिकेट हो कि ओरिजिनल हो डुप्लिकेट चाबी दाखल होती ट्रेजेरी से ट्रेजेरी से ही चाबी रे अद्यावधि कहीं तीन वर्ष खोल जाऊना बर खोल कौन भूल भाल हो कौन मराम बीम कोर्ट खोस मराम हो मरामती बाहाना जो जो इनभेन्ट्री दाखल होता समस्त तथ्य जो सुना रूपा अलंकार जहाँ दाखल होता तार हिसाब कर अतर भाव लगातार भाव खोल जो चाबी से ही चाबी खोलना जो चाबी हजिबा नाटक कले और चाबी हजिबा पर रत्नभंडार डुप्लिकेट चाबी फेर गोटे प्रसंग आस जो चाबीटा आप ट्रेजेरी जमा कले से ही चाबी एवं खोलतु अलरेडी तो मान्यवर कोर्ट को उच्च न्यायालय आदेश अच्छी विधानसभा नवीन पट्टनायक आदेश दे कौन सरकारी सरकार उद्देश्य कौन कहीं रत्नभंडार खोलना 1960 मसीहा अक्टोबर 27 तारीख में श्रीमंदिर स्थावर अस्थावर संपत्तिर मालिकाना गजपति सरकार निकट को चली जाता जगन्नाथ मंदिर नियम 1960 धारा 6 रे स्पष्ट उल्लेख अछि भीतर रत्नभंडार चाबी जिला ट्रेजरी रखा जिबा कथा किंतु चाबी हजिबा मिलिबा को नै भिन्न भिन्न तथ्य आसुदिबारु भक्तों मनरे सन्देह बढ़िछि। पूर्वर तीन थर केमिति खोलीथिला रत्नभंडार जो मानक पाखरु चाबी निया जाइथिला एतर से मानक पाखरु काहेकि निया गला नै रत्नभंडार प्रसंगरे काहेकि नीरव आईन मंत्री रत्नभंडाररु चोरी होइछि कि रत्न अलंकार पुरीरू आलोक आशुतोष को रिपोर्ट अर्गस न्यूज।
ओडिया भाषा को अवहेला। झारखंड में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा ओडिया भाषा हेला नहीं परीक्षा, जहां को विरोध करिछि उत्कल सम्मेलन एसोसिएशन। जदि ओडिया भाषा को अवहेला करा जाए तबे भोट प्रक्रिया प्रभावित हेबो बोली कहिछन्ति आंदोलनकारी। केवल छत्तीसगढ़ नुह, कोटियारे आंध्र दादागिरी देखाउछि। सीमारे पड़ोसी समस्या करतबा बेले कुंभकर्ण निद्रारे राज्य सरकार। झारखंड रे ओडिया भाषा को अवहेला। राज्य शिक्षक नियुक्ति परीक्षा रे ओडिया भाषा रे हेला नहीं परीक्षा। झारखंड सरकार को ओडिया भाषा विरोधी अभियान को विरोध। ए दृश्य हेउछि सढ़ेकला जिलापाल कार्यालय सम्मुखर। ओडिया भाषा भाषी लोकंकु नै विक्षोभ ओ धरणा। एही आंदोलन करथुवा उत्कल सम्मेलनी एसोसिएशन रो प्रमुख दाबी हेला झारखंड रो समस्त स्कूल रे ओडिया शिक्षक नियुक्ति परीक्षा रे ओडिया भाषा शामिल। एही दाबी रखिबा पछलो कारण हला निकट रे झारखंड अनुष्ठित राज्य शिक्षक नियुक्ति परीक्षा रे ओडिया भाषा परीक्षा हला नहीं, जहां कु नै तीव्र असंतोष देखा दिछे। जदि ओडिया भाषा को अवमानना जारी रहिला तबे भोट प्रक्रिया प्रभावित हेबो बोली चेतावनी देइछंती आंदोलनकारी। 2011 मसिया रे झारखंड रे बीजेपी सरकार थिबा समय रे ओडिया को द्वितीय राज्य भाषा भाबे मान्यता मिलिथिला। झारखंड रे पाखापाखी 75% ओडिया भाषा भाषी लोक रुहंती। स्कूल कॉलेज रे ओडिया भाषा रे पाठ पढ़ा जाउथला, किंतु 2021-22 शिक्षा वर्षरु झारखंड सरकार को स्कूल और गणशिक्षा विभाग द्वितीय राज्य भाषा उच्छेद करिबा लागि निष्पत्ति नेछि, जहां कु नै ओडिया भाषाभाषी बहुल जिला सढ़ेकला, खरसुआ, पूर्व सिंहभूमि, पश्चिम सिंहभूमि रे तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाइछि। काहे कि पर्यंत द्विपक्षीय आलोचना हे नहीं, काहे कि पर्यंत विरोध करय नहीं, काहे कि पर्यंत तार समाधान करय पई कोनोसी पंथा निर्धारण कर जाउ नहीं। ए भली पदक्षेप को प्रतिहत करय पई द्विपक्षीय आलोचना करा जाय, तुरंत पदक्षेप ग्रहण करतु नचेत ओडिसा रे निया जळिबो। सबडे पूर्ण थरे ओडिसा सीमांत रे आंध्रर दादागिरी। कोटियार विभिन्न गाँवें एवं आंध्र पक्षर तेलुगु भाषा लगा जा नाम फलक। पुणि थरे ओडिशा सीमारे निजर उपस्थिति जाहिर करने को चेष्टा करिछि आंध्र प्रशासन। पूर्वर अगस्ट 15 तारीख में आंध्र सरकार ओडिशा फाटु सिनेरी गाँवें फलक लगवा उद्यम करते, तेरे ओडिशार सीमांतवासी गण आंदोलन जो आंध्र सरकार ए विफल होते। वर्तमान देढ़ मास पर पुणि थे केवल फाटु सिनेरी गाँ नुहे, फगुण सिनेरी, माड़कार एवं डोलियांबा गाँव में भी तेलुगु भाषा नाम फलक लगी देखा मिली, जहाँ नहीं कोटिया विवाद पुणी थे उग्र रूप धारण कर। मुख्यमंत्री स्तर में आलोचना हबार जो आवश्यकता अच्छी से आवश्यकता को अनुभव करूँ एवं आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री सहित सीधा आप आलोचना करूँ कि केन्द्र मध्यस्थत आप आलोचना करूँ। ये जोड़े कथा भितर गोटे कथा जदि पार निश्चित भाव में सीमा बिवाद गोटे सुफल आमको मिल। तत्पर राज्य सरकार अच्छा जिला प्रशासन अच्छी से आसिक गोटे बोर्ड खोल निज बोर्ड लगे तेलुगु निंदनीय घृण्य। तो आम लोक जाइए लोकों विभिन्न इंटराक्शन करते बड़े पंचायत और पौर निर्वाचन एवं आउ के बड़े स्कूल भांगी देवार धमक। आंध्र सरकार बारंबार दादागिरी करुवा बेले राज्य सरकार चुप रहा पुणी थे प्रशासन कार्यदक्षता को नहीं बड़ प्रश्नचिन्ह छिड़ा कर। झारखंड रु ज्योति बारी सहित भुवनेश्वर प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज। उपनिर्वाचन पूर्व पिपिली रे बाण बोमार द्वंद। बलंगा थाना रे विस्फोरण अनेक प्रश्न ठिया करछि। किभली आउ क्यों परिस्थिति रे थाना भितर को किए विस्फोरक आनीथिला तार तदंत आरंभ होइतबा बळे घटना को नै तेजिछि राजनीति। निर्वाचन को प्रभावित करबा पई शासक दल प्रयास करछि बोली अभिजोग आनीछि बीजेपी। सोमवार राति गोटाए स्थान बलंगा थाना हठात हेला विस्फोरण। आउ ये हेउछि विस्फोरण परर चित्र। भांगी जाइछि कांथ, ध्वस्त विध्वस्त होइ जाइछि आसबावपत्र। ए दृश्य ही बयान करुछि केते भयंकर थिला विस्फोरण। तबे आखपाखरे केही नथिबारु थाना कर्मचारीकर विशेष क्षति होइनि, अल्पके बर्ति जाइछन्ति ड्यूटीरे थिबा जने कनेस्टबल। तबे थानार मालखाना रे विस्फोरक आसिला केउठु ताकु नै सृष्टि होइछि अनेक प्रश्न। मालखाना भितरे थिला किसी गाड़ी बैटरी
କିଛି ବାଣ ବି ଥିଲା। ତେବେ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାତ୍ରାକୁ ଦେଖି କେଉଁ କାରଣରୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି ସେ କଥା କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ପହଞ୍ଚି ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆମେ ଏହି ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଯଦିଓ ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା 5 ପଞ୍ଚାୟତ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସୁଛି। ଉପନିର୍ବାଚନ ଡ୍ୟୁଟିରେ ବି ଥାନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ ଠିଆ ହୋଇଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଅତୀତରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର, ବୋମାମାଡ଼ ଓ ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ରେକର୍ଡ ଥିବା ପିପିଲିରେ ଯଦି ରକ୍ଷକ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ କିଏ? ଶାସକ ଦଳ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଠି ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛି ବିଜେପି। ତେବେ ବିଜେଡି କହିଛି ଥାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ହାରିବା ଭୟରେ ବିଜେପି ଅବାନ୍ତର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଇ ସତ୍ୟଟା ପଦାକୁ ଆସିବା କଥା, ଲୋକ ଜାଣିବା କଥା, କାହିଁକି କି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସେସ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଶାସକ ଦଳ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିର୍ବାଚନକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନକୁ ଯାଇ ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ସେ ଡାଉଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଆମକୁ ଶୁଣିକି ଏ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ହଉ, ତାହା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଯଦି ଆମ ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସମ୍ବିତ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ସେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଥିବେ। ଅବାନ୍ତର ଯେଉଁ କଥା ଯାହାର କିଛି ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଥାନା ଉଡ଼ିଛି, ସେଟା ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବେ, ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱିଲ୍ ରିଭିଲ୍ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଇଛି, କେଉଁଠି ଥିଲା ବିସ୍ଫୋରକ ଇଏ କି ନାହିଁ, କି କେମିତି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଏ ଥିଲା ନଥିଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଇନକ୍ୱାରି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ତାଙ୍କ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ପୁଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟ୍ ଦେମ୍ ଇନକ୍ୱାରି, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଫ୍ୟାକ୍ଟକୁ ରିଭିଲ୍ କରୁ। ଏପଟେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଓ ପୁଲିସ ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। 348 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ 30 ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ହେବ। 229,998 ଜଣ ଭୋଟର 10 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। 175 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ CCTV ଲାଗିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭରସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସମାଜସେବୀ। ପିଲ୍ଡେଲାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେହେତୁ ବିଗତ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ବୁଥ୍ରେ ନହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ୍ରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଇଛି, ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୋଟ୍କୁ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ କରାଯାଇଛି, ରାଗିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ପିପିଲ୍ଡେଲାଙ୍କ ଉପନିର୍ବାଚନର 30 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଶାସନ ନେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି, ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପୋଲିଂ ପାର୍ଟିର ଗ୍ରୁପ୍ ଯେ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ 200 ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍ପ୍ୟାଚ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଟୋଟାଲ 1490 ପୋଲିଂ ପର୍ସନାଲକୁ ଏନଗେଜ୍ କରାହୋଇଛି, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ରିଜର୍ଭ। ତା ବାହାରେ ପାଖାପାଖି 700 ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ପୋଲିଂ ପର୍ସନାଲ ଯେଉଁଟାକି ବୁଥ୍ ବାହାରେ ରହିବେ, ଯେ କୋଭିଡ଼ର ଯେ ନିୟମ ଅଛି, କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ସେସବୁ କରେଇବେ। ସେ ପାଖାପାଖି 2200 ପୋଲିଂ ପର୍ସନାଲ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ପିପୁଲ ସେଟା ଏନଗେଜ୍ କରାହୋଇଛି। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ। 30 ତାରିଖ ସକାଳ 7:00 ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ଏଥର 201 ବୁଥ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋଭିଡ୍ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ା, କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଜାରି ରହିବ ଖବର, ସମୟ ବ୍ରେକ୍ ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଫିରିଙ୍ଗି ପୋଲିସ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ। ବରଗଡ଼ର ଗୋବିନ୍ଦ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ପୀତାମ୍ବର ବେହେରା ମାଖନୁ ବାଘ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି।
सेपटे जुलाई मासर मामलें से भली संगीत दफा न लगे कहीं राति अधिया गोविंद को उठाई नेला पुलिस एने प्रश्न कर गोविंद पर लोक जे मोर बर के न्याय मिलो जिन सट्टा पुलिस आज ताको डिसमिस करू काम न ताको कड़ी से कड़ी सजा दो अमर केस सजा हो हाजत रे पिटी पिटी मारी देले कोन थिला गोविंद कुंभारंक अपराध काहे की घटना रो 2 मास परे राती अधरे उठाई नेला पुलिस अन्य मानन को छाड़ी देले गोविंद को मारी देले हत्या अभियुक्त को बरगढ़ पुलिस रो प्रोत्साहन नजर पकांतु बरगढ़ एसपी एक ट्वीट पर दक्षता पर पुरस्कृत एएसआई पीतांबर बेहरा पीतांबर बेहरा है बहुचर्चित माखन बाग हजत हत्या घटनार अभियुक्त चार्जसीट हो कोर्ट्रु बेल आई हत्या अभियुक्त को पुरस्कृत बरगढ़ एसपी राहुल जैन माखन बाग पर गोविंद बरगढ़ टाउन थाना रे पिटी पिटी मारी गोविंद को आई घटना भी अभियुक्त पीतांबर बेहरा पुलिस प्रोत्साहन आउ एक हत्या पर साहस पाइले कि पीतांबर जड़े हत्या अभियुक्त को किभली मिलला पुरस्कार केस क्लोज करिवार तांको प्रस्तुत करा जायछि किंतु एक कथा मध्ये सत्य जे से माखनुबाग केस रे एरेस्टिकरी जेल रे थिले एवं हाईकोर्ट जमीन अच्छा सबड़े बड़ प्रश्न आसुची एमती कि अपराध करते जे राति अधरे थाना को नहीं पिटी पिटी मारी देले जुलाई 20 गोविंद और अन्य तीन जन नाँ होता एफआईआर अभियोग गंडगोल दफा लगी 147 148 341 323 506 प्रमुख सेमिति संगीन भी नुहे अन्य तीन जन को थाना को डाक छाड़ी पुलिस हेले काहीकि राति अधरे गोविंद को उठाई नेला पुलिस काहीकि थानारु बेल मिललानी 2 मास परे काहीकि अमानुषिक माड़ और 5 दिन परे कौन कार्यानुष्ठान नेइछंती बरगढ़ एसपी राति 2 बजे आइस्थिले 7 जन जेंट्स पुलिस आइस्थिले बिना यूनिफॉर्म रे आइस्थिले बहुत ड्रिंक करते बहुत पीते खाई बहुत अभद्र अभद्र भाषा से कथ होते कहीं आईस बोलिक कहन एत रात कहीं आईस आज्ञा तापने बहुत अभद्र अभद्र भाषा से गाली देते कहीं आईस आज्ञा कहन चल ते थाना बताऊँ बेस डाढ़ी उड़ी रखिक बेस दादागिरी कर आज्ञा मोर पुर बर कि बोल ना फिर भी सीता के बाड़े बाड़े इन नहीं मारी मारी पीटी पीटी मोर पुआ के मारे मोर पुआ जेन दिन जन्म है बेमारे ना पड़ी मोर पुआ निरोगी है मोर पुआ पूरा विधा बागी मोर पुआ 2 महन 3 महन लुहा बुहे पर लुहा बुहिक ऊपर के चगे मोर पुआ सेपटे ए घटना को नहीं बरगढ़ रे प्रतिवाद जोर धरी विभिन्न सामाजिक संगठन आंदोलन को ओबड़े घटनार सीबीआई तदंत दाबी कर बरगढ़ सांसद सुरेश पुजारी जेहेतु ओडिशा पुलिस से संपृक्त अच्छा भल हाँ जदि ये केसटा को सीबीआई भाया एक निरपेक्ष तदंतकारी संस्था को दि जा पारंता तदंत करने तदंत करने भितर स्थानीय पुलिस को तदंतर रे हस्तक्षेप करिवारु बारण करा जाय पारंता गोटे गोटे दलित युवक जार अकारण रे जीवन गला एवं पुलिस कारण जीवन गला तार परिवार लोक न्याय पाई पारंते गोविंद हत्या घटना रे एबे आरंभ होई जायछि घंटो घोड़ा अभियान बरगढ़ एसपी पुलिस डीजी गृह राष्ट्रमंत्री जवाब दियंतु आपण पुरस्कार देले आउ से पिटी पिटी मारी दिले इनक्वेस्ट रिपोर्ट रे भी षड्यंत्र रो गंध बरगढ़ मले भोई और मनीष शर्मा संबलपुर सुरेन्द्र बारी रिपोर्ट अर्गस पंजाब राजनीति रे बे घड़ी के घोड़ा छुटुची कांग्रेस रे कंदल कमिबार ना नेउ नाही आ ए सब भितरे पंजाब कांग्रेस सभापति पद रे इस्तीफा देछंते नवजोत सिंह सिद्धू सेपटे सिद्धू को इस्तीफा परे दिल्ली रे बड़ा हलचल सोनिया राहुल को मीटिंग एपटे दिल्ली रे पहुंची छंते कैप्टन अमरिंदर सिंह ए सब भितरे कांग्रेस रा भविष्यत नै बड़ा प्रश्न उठछि पूरी पंजाब राजनीति रे हाई ड्रामा सभापति हेबार मात्र कई दिन रे पद छाड़ीदे पंजाब कांग्रेस सभापति सिद्धू निज इस्तीफा नहीं कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को लिखिंट पत्र पंजाब राजनीति में एवं घड़ी के घोड़ा छुटुची कांग्रेस रे कंदल कमिबार ना नेहुना
ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ। ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସିଦ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବର ଭବିଷ୍ୟତ ସହ କୌଣସି ସାଲିସ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ପଞ୍ଜାବ ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି ବୋଲି କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧୁ। ତେବେ ହଠାତ୍ ସିଦ୍ଧୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନେଲେ ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମୁନି। କାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ସିଦ୍ଧୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ଉପରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରଦା ହଟିପାରିନି। ପଞ୍ଜାବରେ ସେଠି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ନିର୍ବାଚନର ଭାରକୁ ବା ବିଜେପିକୁ ଏକୁଟିଆ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲା, ସେଠି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱରୁ ସେତେ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ନଥିଲା। ତ ଏଭଳି ଏକ ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ କରିକି କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ କରିଥିଲା, ସେ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଉ ପଶା ଖେଳିଥିଲେ ସେ ପଶା ଆଜି ପଲଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ଦଳ ସେଠି ଏକ ପ୍ରକାର ବିଖଣ୍ଡିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଯାହାଙ୍କୁ ଭରସା କରିକି ଯାହାକୁ ଗୋଟି କରି ଚଳେଇଥିଲେ ସେ ଗୋଟି ଆଜି କାମ ଦେଇନି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ। ସେ ଗୋଟି ସିଧା ପଶାପାଳିରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏହା ହେଉଛି ଯେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚରଣଜିତ ସିଂ ଚନ୍ନିଙ୍କ ସହ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଚନ୍ନିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନରେ ସିଦ୍ଧୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେପଟେ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧୁ ଜଣେ ସ୍ଥିର ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ସୀମାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ଅମରିନ୍ଦରଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା। सिद्धू को जब मैं कह रहा हूँ कि अनस्टेबल तो उसको ने कोई रिएक्शन तो होगा ही, क्या कहा होगा, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। सबड़े सिद्धू को इस्तीफा परे दिल्ली रे एबे बड़ो हलचल, सोनिया राहुल को मीटिंग, एबे दिल्ली रे पहुंची चंती कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये सब भीतरे कांग्रेस रो भविष्यत नहीं बड़ो प्रश्न ठिया होची। वो कांग्रेस पार्टी खुद अपनी चालबाजी के चक्रव्यूह में चकनाचूर हो रही है और ये कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी है जिसने कि जिसकी नीतियां और जिसके कार्यक्रम और जिसके नेतृत्व पूरी तरह से नकारात्मकता से भरपूर रहे हैं और जिसका क्या असर उनके खुद उनके ऊपर दिखाई पड़ रहा है। दलीय कंदल दल को बुड़ाई देवनी तो एने ये चर्चा जोर धरुची। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। प्राइम ओडिसा को एट रखा विदाय दियंतु। नमस्कार।